क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा? रख, मेरी तरफ से दान है तुझे, और क्या बताएगा मेरे को? तू सीरियल से निकालेगा? आई हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस, थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी, और क्या करेगा? मेरे का तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका है ना, मेरे को बुला, मैं आके पूरा फ्री में करके जाऊंगी। डिफेम जो कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, जब वो मेरे सामने आएंगे एक लाइन में उन लोगों को बोलूंगी, उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली। मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा, अगर मुझे करना होता तो मैं उसी दिन इनको FIR कर देती और यू नो लेट बाकी सब कर देती, लेकिन मैंने फिर व्हाट्सएप पर ड्राफ्ट भेजा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को इनके लिए भी नहीं करना। आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम एंड आई एम इन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी यू नो कर्मा कॉन्शियस, तो इनका इनका जजमेंट करने मैं नहीं बैठी हूँ। भगवान है जिसको जो करना होगा। आई एम प्रेइंग फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन। एवरी सिंगल डे मैं उनसे अभी भी दिल से यू नो माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मुझे माफ करना। पिछले साल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस सोड़ी उर्फ जेनिफर विस्ती बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। एक साल बाद इस पर वर्डिक्ट आ चुका है। कोर्ट ने जेनिफर के हक में फैसला सुनाया है। जेनिफर असित के खिलाफ केस जीत चुके हैं। केस जीतने के बाद एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। जेनिफर का कहना है कि असित मोदी उन्हें मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले साल ही जेनिफर ने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और जेनिफर केस जीत चुकी हैं। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा कि असित मोदी के खिलाफ केस जीत कर भी वो दुखी हैं। वो कहती हैं अदालत की सुनवाई के दौरान वो समिति के सदस्यों को अपनी बातों से प्रभावित करने में जुटे थे। समिति से असित मोदी ने ये भी कहा कि वो एक फैमिली की तरह मेरी परवाह करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं मालव राजदा और शैलेश लोढ़ा से प्रभावित होकर ये सब कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए वो मुझे मुआवजे के 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि मैं उनकी बातों को फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन चेक करने के लिए मांगा, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेनिफर मिस्त्री मिसेस रोशन सोड़ी का किरदार निभाती थी। साल 2023 में उन्होंने ये कहकर शो छोड़ दिया कि शो के सेट पर उनका यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने असित मोदी के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमाणी और निर्माता जतिन बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तीनों पर IPC की धारा 354 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 15 फरवरी को अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए असित मोदी को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का ऑर्डर दिया था, तो वहीं सोहेल और जतिन को अदालत की ओर से कोई सजा नहीं दी गई है। इसी बात से जेनिफर काफी निराश है। उनका कहना है कि मेरा कुल बकाया मिलाकर 25 से 30 लाख रुपए हो रहे हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन असित मोदी ये पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं। एक्ट्रेस ने आगे ये भी कहा कि इस केस पर फैसला 15 फरवरी को ही आ गया था, लेकिन मुझे मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना किया गया था। वहीं अब इस बात को 40 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक असित ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। साथ ही दोषी साबित होने के बावजूद आरोपियों को कोई सजा भी नहीं मिली है। आपको बता दें कि जेनिफर के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद शो के अन्य कलाकार जैसे मोनिका भदौरिया, प्रिया आहूजा और इसी शो के एक्स डायरेक्टर मालव राजदा ने भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बातें की और असित मोदी पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, लेकिन असित ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया था और उल्टा जेनिफर पर ही केस करने की धमकी दी। लेकिन अब जेनिफर के इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला उनके पक्ष में सुना दिया है। हालांकि इस केस में जो रिजल्ट सामने आया है उसे वो अपनी जीत तो मान रही हैं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को कोई सजा नहीं दी। इस बात पर जेनिफर काफ़ी निराश है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।